Okay, now today we are starting with our lecture 2 of mole concept, and now this will be actually the beginning of the chapter. Clear? Mole concept. You might have studied in your junior classes mole concept. So what is one mole? Clear? What is one mole? One mole. One mole is a value, is simply a value given by Avogadro and is equal to 6.023 into 10 raised to 23 particles. वन मोल इज दिस वैल्यू. वन मोल ये वाली वैल्यू है और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है. ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है और इसको अगर हम एज्यूम करें वन मोल, वन मोल अगर मैं बोलता हूँ वन मोल ऑफ सपोज एटम्स, वन मोल ऑफ एटम्स बोल दिया अगर मैंने, तो इतने एटम्स आ जाएंगे. वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल दिया, इतने मॉलिक्यूल्स लिख देंगे. मतलब वन मोल मीन्स जस्ट एक वैल्यू है ये, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है. वन मोल मॉलिक्यूल्स बोल दिया तो इतने मॉलिक्यूल्स आ जाए. एटम बोल दिया, एटम बोल दिया. वन मोल ऑफ चेयर्स बोल दिया तो इतनी चेयर हो जाएंगी. वन मोल ऑफ टेबल बोल दिया, इतने टेबल हो जाएंगे. वन मोल ऑफ एनिमल्स बोल दिया तो इतने एनिमल्स हो जाएंगे. क्लियर होगी बात की नहीं? तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है गिवन बाय एवोगैड्रो. इसका मीनिंग हम और भी डिटेल में स्टडी करेंगे. अब अगर मैं इसी चीज़ को सपोज मैं लिखता हूँ, ध्यान देना सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स. और वैल्यूज की सेम वही हो जाएगी, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 23. 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोल दिया अगर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स N2 होता है. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स क्या होता है? N2. तो अगर इसी को हम एटम में कन्वर्ट करें तो ये 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम हो जाएंगे. क्लियर? ये क्या हो जाएंगे? 2 मोल. इसको इसी को मैं इक्वल लिख देता हूँ ऊपर. दिस विल बी इक्वल टू 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स. 1 मोल ऑफ, अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मीन्स डेट वैल्यू. 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. 1 मोल ऑफ ओजोन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन बोल दिया. 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, तो क्या मतलब होगा इसका? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ओजोन मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स. और एटम कितने जाएंगे? 3 मोल. एक बार मैं और लिख देता हूँ इसको. 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन बोल दिया अगर मैंने. ओजोन सबको पता है O3 होता है. दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स एंड इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. क्लियर? दिस इज 1 मोल. दिस इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल. 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम एटम, इसका मीनिंग क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए. 1 ग्राम एटम बोल दिया, उतने मोल ऑफ एटम्स. 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोल दिया, उतने मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स. और इसको हम एटम्स में भी काउंट कर सकते हैं. तो जस्ट एक सिंपल सा मीनिंग समझाया इसका. 1 मोल को भी और डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना है 1 मोल का मतलब ये वाली वैल्यू. किसी के भी 1 मोल मतलब दिस वैल्यू, एंड इट इज़ वेरी बिग वैल्यू. इसको प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल दे सकते हैं. सपोज वी हैव 1 मोल ऑफ रुपीज. ये बहुत कॉमन है, वैल्यू याद भी रहनी चाहिए. 1 मोल ऑफ रुपीज़ हमारे पास, एंड वी आर स्पेंडिंग 10 लाख रुपीज़ पर सेकेंड. 10 लाख रुपीज़ पर सेकेंड. 10 लाख, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, ये आना चाहिए करना. और इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है. 10 लाख रुपीज़ पर सेकेंड. क्लियर? देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक टू स्पेंड एवोगैड्रोस नंबर ऑफ रुपीज. ईयर्स निकालने हैं. क्लियर? 1 मोल ऑफ रुपीज़ है हमारे पास, 10 लाख रुपए हम खर्च कर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, तो कितने ईयर्स लगेंगे उसको खर्च करने में? अब यहाँ से अंदाजा लग जाएगा कि कितनी बड़ी वैल्यू है. 10 लाख रुपए हम 1 सेकंड में खर्च कर रहे हैं, तो इतने 1 मोल ऑफ रुपीज़ को खर्च करने के लिए कितने साल लगेंगे? क्लियर? तो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे. अब जब भी नुमेरिकल्स करते हैं तो क्वेश्चन को ऐसे बोलना है एक स्टोरी की फॉर्म में, कि तुम्हें इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, और फिर सॉल्यूशन निकालना तो इजी लगता है थोड़ा सा. सॉल्यूशन क्या है सर? हम 10 लाख रुपए 1 सेकंड में खर्च कर रहे हैं. 10 लाख रुपए मीन्स 10 रेज़ टू 6 रुपीज़ इन 1 सेकंड. 10 रेज़ टू 6 रुपीज़ इन 1 सेकंड. तो अब हमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज़ खर्च करने हैं. एवोगैड्रो को एन नॉट से भी डिनोट करते हैं. एन नॉट, क्लियर? यानी 6.023
इंटू 10^23 रुपीज। इतने रुपीज कितने सेकंड में खर्च होंगे, तो ये आ जाएगा 1/10^6 इंटू 6.023 इंटू 10^23 इतने सेकंड्स आ जाएंगे। दिस विल बी द नंबर ऑफ सेकंड्स, हमें क्या निकालना है ईयर्स, क्लियर। सेकंड्स तो कितने हो गए, दिस इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10^17 इतने सेकंड्स आ गए, 10^17 हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो इतने सेकंड्स आ गए और हमें निकालना है ईयर्स। ये सेकंड्स हैं, हमें ईयर्स निकालने हैं, तो ईयर्स निकालने के लिए पहले सेकंड को मिनट में करेंगे, सेकंड को मिनट में करेंगे तो 60 कर देंगे, ये मिनट आ गए, मिनट में भी पूछ सकते हैं आंसर, मिनट ये आ गए। इसके बाद अगर हमें निकालना ये, दिस इज मिनट, नाउ टू कन्वर्ट इन टू आर्स, अगेन 60, ये आर्स आ गए, आर्स पूछ सकते हैं, तो आर्स यानी 3600 से डिवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद ये पूछ सकता है कि कितने दिन है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, तो ये डेज आ जाएंगे, क्लियर। दिस विल बी द नंबर ऑफ डेज। और अगर ईयर्स बोला है तो एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365, तो बाय 365 लीप ईयर वगैरह की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, सिंपल जो होते हैं 365 आ जाएगा यहाँ पे, तो दिस विल बी द नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसका कैलकुलेशन करना है, आंसर निकाल के देखना, इसको आंसर अप्रॉक्सीमेट निकालना आना चाहिए। जैसे अगर मैं अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करता हूँ इसी पार्ट की, क्लियर हुआ कि नहीं, 10^6 रुपीज इन वन सेकंड, 1,00,000 रुपए थे एक सेकंड में, तो इतने रुपीज कितने, यूनिटरी मेथड अप्लाई किया तो इतने ईयर्स आ गए, और ये ईयर्स जो है बहुत ज़्यादा होंगे, ये अंदाजा मेरा 2, 3, 4, 5 ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 10^10 के आसपास में, ये अंदाजा है 10^10 के आसपास में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना खुद घर पे, ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना जरूर आना चाहिए। ये चीज़ थी, एक्चुअली देख लेते हैं एक बार, 6.023 इंटू 10 की 17 था डिवाइडेड बाय 3600, 60 इंटू 24 इंटू 365, ये चीज़ थी ना, तो 3600 का ये गया, तो ये दो गए, तो यहाँ हो गया 15, यहाँ 15 आ गया। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना सर, इसको मैं कर रहा हूँ 3.6, 2.4, 3.65, दो यहाँ से गए, एक यहाँ तीन और एक चार, चार गए तो 10^11 हो जाएगा, क्लियर। इट विल बी 10^11, यानी ये आ गया 6.023 इंटू 10 की वर 11 को 10 कर देते हैं, 10 कर दिया तो ये 60 हो जाएगा, 60.23 डिवाइड बाय 3.6, 2.4, 3.65, तो अब ये 60 है। अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको मैं अगर मानता हूँ से 4 इंटू 2 8 इंटू 3.6 है, मतलब इसको 30 के आसपास, 8 इंटू 3 24 होता है, 3.6 है, यानी 30 के आसपास ही आएगा, 30 2 60, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आप चेक करना, कैलकुलेशन करना इसकी, 2 × 10^10 ईयर्स आएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह से करते हैं, अगर पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल टेक अराउंड 5 to 6 मिनट्स। तो इसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए विद इन 30 सेकंड्स, ये इस तरह से हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स को मैच करते हुए, देखते हुए। तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाला, एक बार आप चेक कर लेना इसको खुद कैलकुलेशन प्रॉपर करके, और स्कूल में करेंगे तो प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, एक एक डिजिट मैच करनी चाहिए। तो ये एक जस्ट उसको बताने के लिए, इतने साल लग जाएंगे, इतने साल, अगर एक इंसान 80 साल भी जीता है तो आप देखो 2 × 10^10 कितने सारे ईयर्स हैं, क्लियर। तो इसलिए ये ध्यान रखना चीज का कि 1 मोल जो है बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको जस्ट प्रूफ करने के लिए हमने ऐसा किया, क्लियर। 1 मोल क्या होता है, 1 ग्राम एटम क्या होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, ये हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। नेक्स्ट अब कुछ करेंगे, यहाँ पे एक टर्म आती है AMU, 1 AMU, इसका मीनिंग मैं बताऊंगा सारा, सबके प्रूफ भी दूंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ याद रखना है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, सब पढ़ा हुआ है 9-10 क्लासेस में, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU, इसको डिफाइन किया गया है, एक यूनिट दी गई है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, ये प्री डिफाइंड है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 AMU, 1 AMU एक यूनिट है किसकी, मास की यूनिट है, और ये वैल्यू क्या होती है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, 1/12 की जगह 1/6 ले लें तो क्या होगा, 1/5 ले लें क्या होगा, 1/4 ले लें क्या होगा, 1/24 ले लें तो क्या मास हो जाएगा, इस टाइप से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसको सॉल्व करेंगे आगे जाकर तो इट विल कम आउट टू बी 1/N0, N0 यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर है, इसको सॉल्व करेंगे, N0 यानी 6.023 इंटू 10^23 ग्राम में आ गए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम के अंदर।
तो ये वैल्यूज भी ध्यान रखते हैं, प्रूव होगा सारा, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना और आप खुद प्रूव कर लोगे इस चीज को, लेकिन अभी तो आपको याद रहना चाहिए वन ए एम यू इज इक्वल टू वन ए एम यू को वन एम यू भी लिखते हैं कई बार शॉर्ट में वन एम यू एंड इज ऑल्सो रिटन एज वन यू, तो ये एक ही बात होती है वन ए एम यू एटोमिक मास यूनिट इट इज इक्वल टू वन ट्वेल्थ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ये याद रखना है इसको। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे ये वैल्यूज भी याद होनी चाहिए सारी, ये आगे यूज होंगे सारी और ये प्रूफ आप खुद कर लोगे, बहुत छोटी सी चीज़ है, आगे जाके तुम्हें लगेगा कि बहुत छोटी सी चीज़ थी। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नाउ कुछ कंडीशंस हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे या यूज़ करेंगे चैप्टर के अंदर एसटीपी कंडीशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, क्लियर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड बोल दिया तो प्रेशर होना चाहिए 1 bar, जिसको हम 1 atmosphere के इक्वल भी मान लेते हैं क्योंकि दोनों में डिफरेंस बहुत कम होता है, और टेम्परेचर होना चाहिए 0 degree Celsius यानी 273 Kelvin इक्वल टू 0 degree Celsius, और इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे, ये याद ना इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे कोई भी 1 mole गैस है, अगर क्या चीज़ है गैस, 1 mole ऑफ गैस ऑक्यूपाइज और होल्ड्स 22.4 liters, बार दिया है तो 22.7 भी लिखते हैं, वो हम ज़्यादातर यही लेंगे 22.4 liters, क्लियर 22.4 liters, 1 mole ऑफ एनी गैस होल्ड्स दिस मच अमाउंट एट एसटीपी, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, एसटीपी कंडीशन पता होनी चाहिए कि कोई भी 1 mole गैस वो ऑक्यूपाई करेगी 22.4 liter एट एसटीपी, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। इसके अलावा ना एनटीपी कंडीशंस होती हैं, एसएटीपी कंडीशंस होती हैं, आरटीपी कंडीशंस होती हैं, उनको ज़्यादा डिटेल में करना नहीं है, वो कम यूज़ होंगी, जैसे एनटीपी है सब कुछ सेम, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा 20 degree Celsius, प्रेशर कितना हो जाएगा उसमें 1, नॉर्मल बोल दिया ना नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी मीन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, तो प्रेशर हो जाएगा 1 atmosphere, प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atmosphere, एसएटीपी और आरटीपी कंडीशंस, ऐसे वॉल्यूम इसमें खुद निकाल सकते हैं, एक अब रिलेशन में बताऊंगा आगे जाके पीवी जूटेन आरटी, ये रिलेशन अभी ड्राइव करेंगे, इस रिलेशन से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो वो बाद में करेंगे, बात की बात है वो। और एसएटीपी कंडीशंस और आरटीपी कंडीशंस स्टैंडर्ड, ये क्या टर्म है, एम्बियंट, स्टैंडर्ड एम्बियंट है, बाकी आपको पता है स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, आर क्या है रूम, रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, तो टेम्परेचर तो इसमें स्टैंडर्ड एम्बियंट रूम टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर नॉर्मली क्या होता है 1 atmosphere, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं 25 degree Celsius, तो इस पर 24.7 आता है वॉल्यूम अगर हम पीवी एनआरटी अप्लाई करते हैं, तो ये एक बार देख लेंगे। मेनली हमें क्या यूज़ करना है, एसटीपी कंडीशंस, मेनली क्या यूज़ करना है हमें, एसटीपी कंडीशंस, वो याद रखना, वो नहीं भूलना बिल्कुल भी। चलो ये कंडीशंस हो गई, ये रटी होनी चाहिए, एसटीपी कंडीशंस, प्रेशर 1 bar, टेम्परेचर 273 Kelvin, 1 mole ऑफ एनी गैस एट एसटीपी होल्ड्स 22.4 liter, ये नहीं भूलना बिल्कुल भी। एनटीपी में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर आ जाएगा, नॉर्मल बोलते ही प्रेशर 1 atmosphere हो जाएगा, और 1 atmosphere और बार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 atmosphere और बार के अंदर, जैसे अगर हम बात करें तो 1 atmosphere ये होता है 1.013 bar, 1.013 bar, क्लियर, ये इतना होता है इज इक्वल टू 1.01325 × 10⁵ pascal, तो यानी 1 bar क्या हो जाएगा 10⁵ pascal, 1 bar कितना हो जाएगा 10⁵ pascal एंड इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी, इतना हाइट के टर्म्स में आ जाएगा, मरकरी की हाइट के टर्म्स में, एंड इज इक्वल टू 76 cm ऑफ एच जी, इसको 760 टॉर भी कह सकते हैं, टॉरी सैली नहीं दिया था इसलिए 76 cm ऑफ मरकरी, तो ये इस तरह से यूनिट्स हैं एटमॉस्फेयर के, हम यूज़ कर सकते हैं इसको, क्लियर, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी एक ही बात है, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो ये डिफरेंस यूनिट्स हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर 1 atmosphere प्रेशर की जो है, इसलिए 1 bar और 1 atmosphere में डिफरेंस बहुत कम है, 1 bar बोलेंगे कितना एटमॉस्फेयर है तो 0.987 होता है, 1 bar जो टू 1/1.013 विच इज इक्वल टू 0.987 atmosphere, तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, यूज होंगी ये, क्लियर। तो ये यहाँ पे कंडीशन हमें पता लगे ये क्या कंडीशन होती हैं। नेक्स्ट अब मैं जैसे एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि सपोज हमें मोल्स निकालने हैं, क्लियर, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर, मोल हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, तो एक तरह से अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला
नंबर ऑफ मोल्स, या इसको एक बार सॉल्व करते हैं। से हमने दिया 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH, इसके मोल्स कितने होंगे? तो 4 ग्राम NaOH के मोल्स कितने होंगे? तो हम बोलेंगे NaOH जो है इसका मास कितना है, 23 + 16 + 1 40 आ गया, 40 ग्राम। 40 ग्राम इसका एक मोल का मास है, एक मोल का मास यही है, सबने पढ़ा हुआ है, एक मोल का मास ये है 40 ग्राम। तो अब इसको क्या रहेंगे, 40 ग्राम में हमें क्या निकालना है, इसके मोल्स कितने मोल है, 40 ग्राम में एक मोल है, 40 ग्राम में एक मोल, तो 4 ग्राम में 1/40 × 4 यानी 0.1 मोल, 0.1 मोल। तो डायरेक्ट निकालना भी आना चाहिए, और ये कंसेप्ट है इसका। अगर मैं आपको पूछता हूँ 9 पॉइंट या से 196 ग्राम H2SO4 है, कितने मोल्स होंगे, 196 ग्राम H2SO4, तो H2SO4 का पहले वेट निकाल लेंगे, H2SO4 2 + 32 + 16 = 64, 98 ग्राम आ जाएगा, 98 ग्राम। तो 98 ग्राम में ये एक मोल है, 98 ग्राम में एक मोल H2SO4 है, 98 ग्राम में एक मोल H2SO4 है, तो 196 ग्राम में 1/98 × 196 कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल, 2 मोल, क्लियर। तो ये 2 मोल आ जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम चाहें तो क्या बन जाएगा मोल्स का, नंबर मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ये है फॉर्मूला डायरेक्ट, यही तो कर रहे हैं हम, गिवन मास 4 ग्राम बाय मोलर मास 40 ग्राम। गिवन मास कितना है, 196 ग्राम, मोलर मास कितना है, 98 ग्राम। तो ये पुट करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैल्यूज। जो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो डायरेक्ट हो सकते हैं, दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा एक बार, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हम किस तरह से कर रहे हैं। ये दिया क्वेश्चन पहला, जैसे 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH है, नंबर मोल निकालने हैं, तो गिवन मास कितना है 4 ग्राम, मोलर मास कितना है इसका 40, 4/40 यानी 0.1 मोल। और दूसरा क्वेश्चन H2SO4 वाला, नंबर मोल निकालने हैं किसके, H2SO4 के, गिवन मास कितना है 196 ग्राम, मोलर मास कितना था इसका 98 ग्राम, तो 2 मोल आ गए। तो समझ आया कि नहीं है, तो इस तरह से हम मोल निकाल सकते हैं, अगर गिवन वेट हमें गिवन है, गिवन वेट गिवन है, तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ये ऐसे मोल्स निकल जाएंगे। मोल्स निकालना जरूर आना चाहिए, किस तरह से निकालते हैं, क्लियर, गिवन मास बाय मोलर मास। फिर नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें कि से 5.6 लीटर अमोनिया कितने मोल्स होंगे, 5.6 लीटर अमोनिया STP पे कितने मोल्स होंगे इसके, तो हम इसको भी क्या रखेंगे, 22.4 लीटर अमोनिया अगर है, 22.4 लीटर अमोनिया तो कितने मोल, 1 मोल STP पे, यही होता है अभी पीछे बताया था, तो 5.6 लीटर में कितने मोल होंगे, तो 1/22.4 × 5.6 यानी कितना आ जाएगा ये, 1/4 यानी 0.25 मोल, 0.25 मोल। ऐसे ही बोला, अगर 11.2 लीटर कोई भी गैस है, 11.2 लीटर ऑफ से ऑक्सीजन कितने मोल्स, तो क्या लिखेंगे इसको कि 11.2 लीटर है ना, तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन ये होगा 1 मोल, तो 11.2 लीटर ऑक्सीजन के अंदर कितने मोल्स होंगे, 1/22.4 × 11.2 = 0.5 मोल, क्लियर होगी बात की नहीं। तो इस तरह से हम गैसेस के लिए निकाल सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा गैसेस के लिए, नंबर मोल्स क्या होंगे, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 एट STP निकालते हैं ऐसे मोल्स, समझ आ गया कि नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका, तो इसका भी फॉर्मूला नोट कर लेंगे एक बार, 5.6 लीटर अमोनिया दे रखा है, तो नंबर मोल्स क्या होंगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस बाय 22.4 लीटर एट STP, गिवन वॉल्यूम कितना है इसका 5.6, 22.4 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मोल, जो भी हमने किया है, 11.2 लीटर होता अगर ये, तो 11.2/22.4, क्लियर होगी बात की नहीं है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका मोल्स निकालने का। फिर बोला मैंने अगर से 3.011 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन मोल्स कितने होंगे इसके, 3.001 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन है, मोल्स कितने होंगे, तो इसको भी क्या बोलेंगे, 6.023 × 10^23 × 10^23 भी लिखना है इसको,
N2 10 to 23, यही जरूर लिख देना एक बार। तो 6.023 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स अगर हैं, मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो एक मोल, तो 3.011 इंटू 10 to 23 मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो कितने मोल आ जाएंगे, 1 अपॉन में 6.023 इंटू 10 to 23 इंटू 3.011 इंटू 10 to 23, तो कितने मोल आ गए, 1/2 10 to 23 का आंसर 0.5 मोल, 0.5 मोल। क्लियर हो गई बात की नहीं है? तो इस तरह से मोल निकाल सकते हैं हम किसी भी तरीके, कोई भी अगर गिवन है फॉर्मूला, कोई भी गिवन वैल्यू है, डायरेक्ट उससे मोल से निकाल सकते हैं और उसको मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात की नहीं है? मॉलिक्यूल्स गिवन है तो गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। जैसे आप देखेंगे इधर गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या क्या आ गया, गिवन वेट या गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स, गिवन मॉलिक्यूल्स बाय 6.023 इंटू 10 to 23। तो ये मोल्स निकालने के डिफरेंट तरीके हैं, किसी भी तरीके से हम मोल्स निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात कि नहीं? नेक्स्ट हम करेंगे आगे, नेक्स्ट लिखेंगे आगे। तो ये मोल्स निकालना हमने सीख लिया यहाँ पे। सपोज मैंने आपको बोला इसके अंदर अब कि तो आपको निकालना है से कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स प्रेजेंट इन से 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज के अंदर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, कितने होंगे एटम्स ऑफ ईच टाइप निकालना है कितने होंगे और एटम्स कितने होंगे, ये चीज़ें निकालनी है। 18 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है और उसमें सारी डिटेल निकालनी है वाली। क्लियर? तो ये कैसे निकलेगा, 18 ग्राम ग्लूकोज के अंदर ये सारा कैसे निकलेगा? तो ध्यान देंगे इधर, पहले इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसके मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स निकालने के बाद एटम्स हर एक टाइप के, फिर टोटल एटम्स। पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके अंदर, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, केन शुगर है, फ्रक्टोज है, सबके फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए पहले से। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, ये याद करना है इसको आपको, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। क्लियर? दिस इज ग्लूकोज, वेट विल बी 12 × 6 = 72 प्लस 12 × 16 = 96। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 180 ग्राम, 180 ग्राम ग्लूकोज आ जाएगा, सही ना, 180 ग्राम ग्लूकोज। अब इसको ध्यान देंगे, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया, N0 क्या है, एवोगाड्रो नंबर, N0 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 180 ग्राम, इसमें डाउट तो नहीं कोई? इसको बहुत सिंपल तरीके से लिखेंगे, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू N0 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 180 ग्राम्स। तो यहां से अब लिखेंगे, अब ध्यान देना, हमें यह निकालना है कि 18 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या रखेंगे, ग्राम और मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को रिलेट करा देंगे। 180 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स, N0 मॉलिक्यूल्स, N0 इज 6.023 इंटू 10 to 23। तो 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, N0 बाय 180 इंटू 18 यानी 0.1 मोल, कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 0.1 मोल आएगा ना ये, तो ये आ जाएगा N0 बाय 10, N0 बाय 10 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? N0 बाय 10 क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स। मोल निकालना होता तो क्या था, 0.1 मोल, 180 ग्राम में एक मोल है तो 18 ग्राम में कितने मोल होंगे, 0.1 मोल। वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके, ये समझ आ गया कि नहीं है? तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए इसके, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए इसके। तो आगे करेंगे इसको, 0.1 N0 या N0 बाय 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर C6H12O6 है, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम है, 6। तो कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे,
सिक्स इंटू एन नॉट बाई टेन या सिक्स इंटू पॉइंट वन एन नॉट, ये आ गया पॉइंट सिक्स एन नॉट, पॉइंट सिक्स एन नॉट, एन नॉट की वैल्यू हमें पता है 6.023 × 10³। ऑक्सीजन एटम भी इतनी है, एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन एटम्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस 0.6 एन नॉट। और हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, 12 है, 12 इंटू कितने आया था हमारा 0.1 एन नॉट, तो 12 इंटू 0.1 एन नॉट, तो 1.2 एन नॉट, समझ आया कि नहीं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल अगर एटम्स निकालने हैं तो टोटल एटम्स कितने हैं, 6 प्लस 12 18 प्लस 6 24, टोटल एटम्स विल बी इक्वल टू 24 इंटू 0.1 एन नॉट 2.4 एन नॉट, ये टोटल एटम्स आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात कि नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है क्वेश्चन ये, लेकिन वैसे ये करना आना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखेंगे एक बार इसको। डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, जैसे 18 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है तो नंबर मोल कितने आ गए डायरेक्ट 18/180, प्रैक्टिस करोगे इससे भी हो जाएगा। तो 0.1 मोल आ गए इसके, 0.1 मोल ग्लूकोज के आ गए, 0.1 मोल है तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसके, 0.1 एन नॉट, ये हो जाएगा कि नहीं है। मोल को लिखेंगे गिवन मॉलिक्यूल्स बाय, दिस इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एन नॉट, तो एन नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे, गिवन मॉलिक्यूल्स, दिस इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एन नॉट, तो गिवन मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे एन टू एन नॉट, तो डायरेक्ट लिखते हैं इसको, 0.1 मोल है तो 0.1 एन नॉट, 0.2 मोल होता 0.2 एन नॉट, मॉलिक्यूल्स आ गए, दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स, ये आ गए। अब एटम तो हमें बता ही दिया कैसे निकालते हैं, कार्बन के एटम निकालने हैं तो इसको इंटू 6 कर देंगे, हाइड्रोजन के एटम निकालने हैं इंटू 12 कर देंगे, ऑक्सीजन के एटम निकालने हैं इंटू 6 कर देंगे इसको, टोटल एटम निकालने हैं तो 6 प्लस 12 प्लस 6 24 इंटू 24 कर देंगे, तो उससे आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से कर जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक इसी टाइप का, और जैसे अगर मान लीजिए हमें निकालना है से 3.1 ग्राम फॉस्फोरस में मॉलिक्यूल्स निकालने हैं एंड एटम्स, 3.1 ग्राम फॉस्फोरस है इसमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और एटम्स निकालने हैं, 3.1 ग्राम फॉस्फोरस के अंदर क्या निकालना है हमें, मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ये कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे इधर। तो इसके निकालने के लिए 3.1 ग्राम फॉस्फोरस है, तो चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार कंसेप्ट से दोबारा बता रहा हूँ। 1 मोल ऑफ पी फोर कितना हो गया, 31 इंटू 4 ग्राम, ये हुआ कि नहीं, 31 इसका मास होता है इंटू 4 एंड इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल्स, ये आ जाएगा। तो 31 इंटू 4 ग्राम इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल, गैस तो नहीं है, नहीं तो 22.4 लीटर के इक्वल भी लिखते क्योंकि ये गैस नहीं है फॉस्फोरस, इट इज सॉलिड। तो अब इसमें आ गया 31 इंटू 4 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3.1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 31 इंटू 4 ग्राम में एन नॉट मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3.1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एन नॉट बाय 31 इंटू 4 इंटू 3.1, तो ये कितना आ जाएगा, एन नॉट बाय 40, एन नॉट बाय 40 क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 4, P4 है ना, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो एटम्स कितने होंगे, इंटू 4, एटम ज़्यादा होंगे ना, तो 4 इंटू एन नॉट बाय 40 इतने क्या हो जाएंगे एटम्स, यानी एन नॉट बाय 10, इससे 4 गुना ज़्यादा ये एटम्स आ जाएंगे, फॉस्फोरस एटम, पी एटम्स, समझ आया क्वेश्चन नहीं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 3.1 बाय 31 इंटू 4 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, डायरेक्ट क्या होगा, 3.1 डिवाइड बाय 31 इंटू 4 मॉलिक्यूल्स आ गए, मोल्स आ गए, मोल्स को इंटू एन नॉट कर देंगे तो एटम्स आ जाएंगे, देखेंगे एक बार फिर दोबारा। अगर मेरे को इसको डायरेक्ट करना है, 3.1 नंबर मोल्स कितने हो जाएंगे, 3.1 डिवाइड बाय 31 इंटू 4 ये क्या आ गए मोल्स, दिस इज इक्वल टू मोल, ये मोल आ गए। अब इसको इससे निकालने क्या मेरे को, मोल्स किसके आए हैं P4 के, इससे मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो क्या आ जाएगा, ये हो गया ये हो गया 1/40, ये 10 से आएगा 1/40 मोल्स आ गए, इज इक्वल टू एट मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो 1/40 इंटू एन नॉट मॉलिक्यूल्स, यही तो किया है अभी पीछे भी, एटम निकाले तो इंटू 4 कर देंगे, क्लियर हो गया कि नहीं है, इसी को इंटू 4 कर देंगे तो एटम आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, मोल्स आते ही इंटू एन नॉट करो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं उसी के,
जिसके मोल्स आए हैं उसी के मॉलिक्यूल्स आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं है? तो ये इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आगे देखेंगे। जैसे अगर मेरे को निकालना है कैलकुलेट नंबर ऑफ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, प्रोटॉन्स निकालने हैं, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्लियर? नाइट्रोजन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, तो उसको पहले चेक कर लेंगे। नाइट्रोजन क्या होता है, 7N14। एक नाइट्रोजन एटम के अंदर सात क्या है, ये एटम नंबर, सात तो इलेक्ट्रॉन है। एटम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रल के केस में एटॉमिक नंबर इज दिस, जेड से नोट करते हैं इसको, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। सात इलेक्ट्रॉन सात प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 - 7, तो 7 न्यूट्रॉन। तो जो भी एटम्स आएंगे उसको इंटू 7 कर देंगे, जो भी एटम्स आएंगे उसको इंटू 7 कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा या प्रोटॉन्स आ जाएगा या न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। जैसे 1.4 ग्राम नाइट्रोजन एटम है, 1.4 इसके डायरेक्ट मोल्स क्या होंगे, 1.4 डिवाइड बाय 14 एटम है ये, तो ये आ गया 0.1 मोल, 0.1 मोल आ गया, तो 0.1 एन नॉट एटम्स आ गए इसके। 0.1 मोल किसके आए, इसके आए, एटम के आए, तो इन टू एन नॉट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 एन नॉट नाइट्रोजन एटम्स। ये एटम्स आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 0.1 एन नॉट इंटू 7। प्रोटॉन्स कितने होंगे, 0.1 एन नॉट इंटू 7। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 0.1 एन नॉट इंटू 7। इस तरह से आ जाएगा, क्लियर हो गया कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह से निकाल लेंगे। नेक्स्ट नोट करेंगे एक और, सपोज हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन से 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन है O2- के अंदर ये निकालना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो 8O16 होता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 8 ही प्रोटॉन्स हैं, और 16 माइनस 8 क्या है, न्यूट्रॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स, ये चीज़ें सबको पता ही है। अब इसमें O2- आ गया, O2- में कितने बस सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, चार्ज अगर आ जाता तो O2- कैसे बनेगा, जब एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे, इसमें 10 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ऑक्सीजन ने। प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 8 प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे, 16 - 8 न्यूट्रॉन्स, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे एक आयन के अंदर, एक आयन में 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे इधर, ध्यान देंगे तब, जैसे 16 ग्राम में पहले मोल्स निकाल लेंगे इसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्साइडेंस 1.6 डिवाइड बाय 16, ये मोल्स आ गए, इतने मोल ऑफ आयंस ऑक्साइडेंस, और कंसेप्ट से करना है तो 16 ग्राम के अंदर एन नॉट आयंस हैं, 1.6 ग्राम में कितने आयंस होंगे, 1.6 बाय 16, वही चीज आएगी सेम, दिस इज इक्वल टू 0.1 मोल ऑफ आयंस इज इक्वल टू 0.1 इंटू एन नॉट एवोगाड्रो नंबर आयंस, इतने आयंस आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 इंटू 0.1 एन नॉट, प्रोटॉन्स कितने होंगे और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 8 इंटू 0.1 एन नॉट ये आ जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं है? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स किसी भी आयन के अंदर। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट एक आप खुद ट्राई कर सकते हैं इसको, जैसे अगर मैं देता हूँ आपको, सपोज दिया 36 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ये ट्राई कर लेना एक बार, 36 ग्राम अमोनियम आयन्स है और उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक के अंदर कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 7 होते हैं इसमें, इसमें हाइड्रोजन में एक होता है, 1 × 4 = 7 = 11 - 1 = 10, तो 10 है एक के अंदर, तो उससे कैलकुलेट कर लेंगे, एक मोल में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है एक आयन के अंदर, 1 अमोनियम आयन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 इसके पास थे, 4 इसके पास, 11, एक कम हो गया प्लस चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो भी आंसर आएगा उससे हम इंटू 10 कर देंगे, जो भी आयंस आएंगे उसको इंटू 10 कर देंगे, तो उससे अमोनियम आयंस आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट जैसे अब हमें निकालना है
सपोज कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ से नाइट्रोजन बी वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ये निकालना है. वन एटम ऑफ नाइट्रोजन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इनके हमें क्या निकालने मास निकालने. एक एटम की बात कर रहे हैं इधर, तो एक बार ध्यान देंगे इधर और इसको बहुत ध्यान से करेंगे, ये आगे बहुत जगह यूज होगा. तो वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो वन एटम ऑफ नाइट्रोजन तो कंसेप्ट देखेंगे क्या है. वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 14 ग्राम इज इक्वल टू एन नॉट एटम्स. एटम की बात कर रहे हैं ना, नाइट्रोजन एटम. तो 14 ग्राम में ध्यान देंगे इधर, 14 ग्राम में उल्टा रखेंगे एटम का मास निकालना है, क्योंकि एन नॉट एटम्स का मास 14 ग्राम है. एन नॉट एटम्स का मास 14 ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना होगा, बहुत ही कम, 14 बाय एन नॉट ग्राम. 14 बाय एन नॉट ग्राम कितनी कम वैल्यू है. अब पीछे हमने किया था 1 amu क्या था, 1 बाय एन नॉट ग्राम, ये ध्यान होगा आपको, यू 1 बाय एन नॉट ग्राम पढ़ा था पीछे भी. तो ये कितना आ जाएगा 14, 1 बाय एन नॉट ग्राम क्या लिख देंगे amu, 14 amu, 14 amu, क्लियर हो गया बात की नहीं, 14 amu, 14 amu ये लिख देंगे इसको. समझ आएगा कैसे लिखा है, यानी 14 इंटू 1.67 इंटू 10 के माइनस 24 ग्राम, ग्राम में भी आता है. या 14 में एन नॉट को सॉल्व कर सकते हैं इसको, एन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 6.023 इंटू 10 के 23. 14 ध्यान रखना, अगर मैं 1 मोल बोलता हूँ तो ग्राम में होगा आंसर, और 1 एटम बोलता हूँ तो एएमयू में आंसर होगा. ये डिफरेंस है दोनों के अंदर. एटम बहुत छोटा मास आएगा, मोल का मास थोड़ा ज़्यादा आएगा, 14 ग्राम पास में नहीं. एटम बोलेंगे तो ये एएमयू में आंसर, और एएमयू को भी ध्यान रखना कि 14 में नॉट ग्राम है, और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम बोलेंगे तो 14 ग्राम. अगला क्वेश्चन था 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन था. तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यानी ध्यान देंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, दिस इज इक्वल टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओ टू 32 ग्राम इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल्स, 32 ग्राम एन नॉट मॉलिक्यूल. 32 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, पहले हमें मास निकालना ना इसका. तो एन नॉट मॉलिक्यूल्स का मास, एन नॉट मॉलिक्यूल्स का मास क्या है 32 ग्राम में, एन नॉट मॉलिक्यूल्स का मास क्या है 32 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 32 बाय एन नॉट ग्राम. 32 बाय एन नॉट ग्राम मीन्स 32 amu, 32 amu, ये ध्यान रखना इसको 32 amu. तो यहाँ दोबारा देखेंगे, अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 32 ग्राम है, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 32 amu. तो ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है, डायरेक्ट डाटा होना चाहिए हमेशा, कभी भी पूछें तो. अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब 1 मोल ऑफ CO2, CO2 का मास कितना होता है, डायरेक्ट आंसर आएगा इसका, CO2 का मास कितना है, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना आएगा 44 ग्राम. कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32 प्लस 12, 44 ग्राम इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल्स. तो क्या लिखेंगे, एन नॉट मॉलिक्यूल का मास 44 ग्राम है, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 44 बाय एन नॉट. सॉल्व करना चाहे सॉल्व भी कर सकते हैं इसको. अब 1 बाय एन नॉट ग्राम क्या होता है एएमयू, तो 44 एएमयू. तो ये आ गया, एक मोल की बात कर रहे हैं CO2 की तो मास कितना आया 44 ग्राम, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मास कितना आया 44 amu. क्लियर होगा डिफरेंस कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफरेंस क्लियर होना चाहिए इस चीज़ का. अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4 तो मास कितना है इसका 98 ग्राम, रटा होना चाहिए बिल्कुल 98 ग्राम. तो अगर एक मॉलिक्यूल बोल दें H2SO4 का, एक मॉलिक्यूल H2SO4 का है, तो 98 amu या 98 बाय एन नॉट ग्राम, 98 बाय एन नॉट ग्राम वो भी बताऊंगा चाहिए, 98 बाय एन नॉट ग्राम. अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ यूरिया, 1 मोल ऑफ यूरिया बोलते हैं, यूरिया का क्या होता है फॉर्मूला NH2CONH2, NH2CONH2 ये पता होना चाहिए, C
60 ग्राम। अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ यूरिया NH2CO2, 1 मोल ऑफ यूरिया तो क्या बोलेंगे 60 ग्राम, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया है तो 60 AMU। ये भूलना नहीं है, 60 AMU। 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया कितना आ जाएगा 60 AMU। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज अगर है, ग्लूकोज आएगा तो 180 ग्राम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है तो 180 AMU। 1 मोल ऑफ सुक्रोज है, सुक्रोज क्या होता है C12H22O11, 1 मोल अगर है इसका तो कितना आएगा 342 ग्राम। ये आंसर, ये मास रटे होने चाहिए, काफ़ी यूज होंगे, वहाँ कैलकुलेट करोगे एग्जाम में तो टाइम लग जाएगा उसमें काफ़ी। 1 मॉलिक्यूल अगर है तो क्या आएगा 342 AMU। मोल बोलेंगे तो ग्राम, मॉलिक्यूल बोलेंगे या एटम बोलेंगे तो AMU। जैसे 1 मोल ऑफ नियोन एटम्स 20 ग्राम, 1 मोल ऑफ नियोन एटम्स बोला तो कितना है 20 ग्राम, 1 नियोन एटम कितना होगा 20 AMU। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो यहाँ तक पढ़ना है अभी, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे एग्जांपल्स के साथ, ध्यान से सुनोगे और जितने नंबर कराए हैं दो दो बार रिपीट करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। लेक्चर तभी कंटिन्यू करना अगला जब पिछला लेक्चर आता हो, 5 लेक्चर हो जाते हैं इसके तो पिछले 5 आने चाहिए, 5 रिपीट जरूर करना है क्लास को पढ़ने से पहले, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ना है, ऐसे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नंबर जितने हैं दो दो बार रिपीट जरूर करना। थैंक्स।